नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष और इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारी टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। जी हां, आज सुबह सुबह आपके सामने मैं हाजिर हूं पांच बड़ी खबरें लेकर। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न टेस्ट मैच खेला जाना है और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इसे कहा जा रहा है। क्रिसमस के अगले दिन का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, फन फैमिली त्यौहार का दिन होता है ऑस्ट्रेलिया में, और भारतीय टीम के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है क्योंकि मेलबोर्न में भारतीय टीम को सीरीज़ का डिसाइडर भी खेलना है क्योंकि एक एक से सीरीज़ बराबर है। अगर भारत गंवाता है तो भारत सीरीज़ तो नहीं जीत सकता, तो यहाँ पर एक डिसाइडर मैच के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर भारत जीतता है तो फिर टेस्ट सीरीज़ जीतने के चांसेस भारत के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल अगर बात की जाए भारतीय टीम कॉम्बिनेशन को लेकर, तो मयंक अग्रवाल हो सकता है ओपन करें या हो सकता है रोहित शर्मा से ओपनिंग कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रवि शास्त्री के कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसे देखकर लगता है कि ओपनिंग जोड़ी में बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट दी ओपनिंग। तो हो सकता है कि ओपनिंग जोड़ी को लेकर कंसर्न हो। खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर क्या हाल है ये भी हम आपको बताएंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा भारत का ये भी बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जहां पर सीरीज फिलहाल एक एक से बराबर है और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। मेलबर्न में दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं और दोनों टीमों ने प्रैक्टिस का अभ्यास किया। ऐसे में इस टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है तीसरा टेस्ट मैच, और बैट और बॉल के बीच एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। कमिंस ने यह भी कहा कि टीम इंडिया काफी ज्यादा मजबूत है और हमें उन्हें रोकने का प्लान बनाना होगा। कमिंस ने लेकिन यह भी कहा कि दूसरा टेस्ट मैच जीतकर उनकी टीम कॉन्फिडेंस से लबरेज है और वो भारत को पूरी तरह से हराने की कोशिश करेंगे। कमिंस ने यह भी कहा कि हमने हर खिलाड़ी के लिए एक अलग रणनीति बनाई है और अगर हम अपनी रणनीति को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने में सफल रहे तो हम आसानी से भारतीय टीम को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम में अब भी इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सीरीज जीतने का मादा रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कमिंस का यह बयान क्या टीम इंडिया को डरा पाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन घमासान जारी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिलहाल एक एक से बराबरी पर है और तीसरा और चौथा टेस्ट मैच अभी भी होना बाकी है। ऐसे में 26 दिसंबर से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को लेकर दोनों ही टीमें काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि मेलबर्न में दोनों ही टीमों ने हाल ही में प्रैक्टिस सत्र में हिस्सा लिया। ऐसे में प्रैक्टिस सत्र में प्रैक्टिस करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज एरन फिंच से जब उनकी चोट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंजरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं भारत के खिलाफ हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करना चाहता हूं। एरन फिंच ने यह भी कहा कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपको इन सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जमकर रन बनाऊंगा और इंजरी कोई मेजर फैक्टर नहीं होगी। यानी कि एरन फिंच ने साफ कर दिया है अपनी बातों बातों से कि वो टीम इंडिया को चैलेंज कर चुके हैं। अब टीम इंडिया उन्हें आउट कर पाती है या नहीं ये देखना होगा मेलबर्न टेस्ट में। हालांकि मेलबर्न टेस्ट को लेकर दोनों ही टीमें काफी ज्यादा एक्साइटेड है, सीरीज फिलहाल एक एक से बराबर है, तो मेलबर्न टेस्ट जीतकर दूसरी टीम लीड लेना चाहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जारी है और फिलहाल सीरीज एक एक से बराबर है। पर्थ टेस्ट में मिली हार के बाद टीम इंडिया की कड़ी आलोचना हो रही है। एक तो कंडीशंस को रीड ना कर पाना और खराब टीम कॉम्बिनेशन खिलाने के पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने साफ तौर पर विराट और शास्त्री पर सवाल उठाए हैं। गावस्कर ने कहा कि हम साउथ अफ्रीका में हारे, इंग्लैंड में हारे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 का फाइनल हारे, इसके बाद अब सोचने की ज़रूरत है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में भी हारते हैं तो फिर ऊपर से बदलाव की ज़रूरत है। यानी कि सुनील गावस्कर साफ इशारा कर रहे थे कि कप्तान, कोच और टीम मैनेजमेंट तीनों को बदलना होगा, तभी भारतीय क्रिकेट एक अच्छी डायरेक्शन में जा पाएगा, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन लग रही है यहाँ पर टीम को संतुलन प्रदान करने की बजाय टीम को बर्बाद किया जा रहा है। अब देखना होगा कि सुनील गावस्कर का ये बयान क्या बीसीसीआई को रास आता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अब बस 3 दिन का समय रह गया है। बड़ी बात यह है कि हाल ही में टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर हार्दिक पांड्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम 48 घंटे पहले ही कोई फैसला लेंगे कि कौन टीम में रहेगा और कौन टीम से बाहर होगा।
लेकिन रवि शास्त्री ने इशारा कहीं ना कहीं ये भी कर दिया कि हार्दिक पांड्या शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, क्योंकि वो चोट के बाद सिर्फ एक मैच प्रैक्टिस करके ही आए हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या को खिलाना सही नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि अगर रवि शास्त्री को ऐसा लगता है कि चोट के बाद सिर्फ एक रणजी मैच खेलकर वो आए हैं, तो आपने उनको स्क्वाड में क्यों शामिल किया? आपने उनको भारत से ऑस्ट्रेलिया क्या घूमने के लिए बुलाया है? क्योंकि जिस तरह से रवि शास्त्री बयान दे रहे हैं, ये एक डिक्टेटरशिप वाला बयान साबित हो रहा है। टीम में 19 खिलाड़ी हैं, 19 खिलाड़ियों में जब आपसे पूछा जाता है कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा टीम में फिट है या नहीं, तो वो कहते हैं कि फिटनेस पर हम फैसला आखिरी दिन लेंगे। जब ये खिलाड़ी फिट नहीं है तो आप इन्हें स्क्वाड में क्यों लेके गए हैं? दूसरा, अगर हार्दिक पांड्या को आपको नहीं खिलाना था तो आप उनको कहते कि आप रणजी मैचेस के लिए प्रदर्शन कीजिए और उसके बाद टीम के साथ जुड़िए। आप वहां पर कंडीशन से तालमेल बिठाने के लिए हार्दिक पांड्या को बुला रहे हैं तो ये साफ तौर पर गलत है। शायद एक बार फिर मेलबर्न में टीम इंडिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने ये अपील दायर की थी कि बीसीसीआई और भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलना उनको काफ़ी भारी पड़ा है और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में पीसीबी ने बीसीसीआई से खर्चे की मांग भी की थी। खर्चे की मांग करने के बाद अब आईसीसी ने फैसला सुनाया है कि करीब 74 करोड़ रुपए पीसीबी को बीसीसीआई को देने होंगे, यानी कि अब बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करीब 74 करोड़ रुपए वसूलेगा। यानी कि भारत सीरीज तो खेलेगा नहीं और उसके अलावा पाकिस्तान से 74 करोड़ रुपए भी वसूलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दलील देता है। फिलहाल ये बात तो लगभग तय हो गई है कि कुछ परसेंटेज का पैसा तो उन्हें देना पड़ेगा। अब कितना पैसा देता है पीसीबी, ये देखना काफी ज्यादा अहम होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू होने में बस अब 3 दिन का ही समय रह गया है। ऐसे में इस टेस्ट मैच को टीम इंडिया पूरी तरह से जीतना चाहेगी और साल का अंत एक बेहतरीन नोट पे भी करना चाहेगी। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया जिस तरह से अब तक परफॉर्मेंस देती आई है, चाहे साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, भारतीय टीम के हाथ निराशा ही लगी। हालांकि एडिलेड टेस्ट हम जीते लेकिन जैसे तैसे जीते। पर्थ में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। रविंद्र जडेजा को लेकर सवाल पूछे जाने पर टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। शास्त्री ने पहले तो अश्विन की फिटनेस पर बात की। उन्होंने कहा कि अश्विन अभी तक तो फिट नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर फिट लगते हैं तो हम उन्हें खिलाएंगे। लेकिन अगर अश्विन फिट नहीं होते हैं तो फिर सवाल जडेजा पर आएगा, क्योंकि जडेजा के टीम में खेलने से टीम की टेल लंबी हो जाएगी। जब जडेजा से सवाल किया गया कोच शास्त्री से, तो उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा को कंधे में कुछ चोट की प्रॉब्लम है, उन्होंने इंजेक्शन लिया है और इंजेक्शन का असर काफी देर तक रहता है। ऐसे में उम्मीद है कि वो फिट होंगे। रवि शास्त्री ने यह भी कहा कि पर्थ में जडेजा फिट नहीं थे, इस वजह से वो नहीं खेले। अब सवाल ये उठता है कि जब आपकी टीम के आधे खिलाड़ी फिट नहीं है तो वो स्क्वाड में क्यों है? अगर वो फिट नहीं है, आप उनको भारत भेजिए रणजी मैचेस खेलने के लिए कहिए। 19 लोगों का स्क्वाड आप लेकर जा रहे हैं, वहां पर साफ तौर पर टीम कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी कहा है शास्त्री ने कि अगर जडेजा 80% भी फिट होते हैं तो हम उन्हें मेलबर्न टेस्ट मैच में जरूर खिलाएंगे। अब क्या जडेजा का पत्ता लगता है, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। फिलहाल टीम इंडिया अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों से जूझ रही है। जो यहाँ बता दें आपको कि भारत के ओपनर्स बिल्कुल भी रन्स नहीं बना रहे हैं। केएल राहुल तो लगातार पूरे साल फ्लॉप रहे, वहीं मुरली विजय से भी रन्स नहीं हुए। ऐसे में मयंक अग्रवाल को पृथ्वी शॉ के चोटिल हो जाने के बाद टीम से जोड़ा गया। मयंक अग्रवाल ने भारत ए यानी कि इंडिया ए के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया, साथ ही पूरे रणजी सीजन में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। शायद इसी वजह से उनको टेस्ट क्रिकेट में कॉल अप किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन करती नजर आई टीम इंडिया, और प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली मयंक अग्रवाल को काफी टिप्स देते नजर आए और मयंक अग्रवाल ने करीब 1.5 घंटे प्रैक्टिस की, जिससे ये बात लगभग साफ हो रही है कि केएल राहुल या मुरली विजय में से किसी एक को तो बाहर बैठना है, ये बात तय है। अब होगा कौन ये नहीं पता, लेकिन मयंक अग्रवाल खेल सकते हैं ये बात लगभग तय हो गई है। जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं मयंक अग्रवाल और जिस हिसाब से उनके बल्ले पर बॉल लग रहा था, विराट उनको टिप्स देते हुए नजर आ रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मयंक अग्रवाल अपने डोमेस्टिक फॉर्म को इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। तो देखा आपने आज की
पांच बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है वो बेहतर क्रिकेट खेलकर आगे जाएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल होगी फिर मुलाकात पांच अन्य बड़ी खबरों के साथ। लेकिन आज सुबह से जितनी अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स की चाहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं, आप ही का चैनल है। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर दें ताकि वो खबरें हम आप तक पहुंचा पाएं। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत।